योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नां अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीवीर राघव दयाल द्रकृपावतारं श्री जानकीश पद पद्म पराग भृंगम श्री श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्न मौलिम श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुम नमामः। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांड्ये विश्वंभराम गोदाम वंदे श्रीरंगनायिकीम नीलातुंग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वं श्रुतिशतशिरस् सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यहां 16वें पासुर में तिरुप्पावे के 16वें छंद में गोदाम्बाजी क्या करती हैं, गोदाम्बाजी अपनी सखियों को लेकर के गोपियों को लेकर के पहुंच गई नंद भवन के द्वार पर, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए, उनकी मंगला स्तुति करने के लिए, प्रभात स्तुति करने के लिए, सुप्रभात स्तुति करने के लिए। और यहां पहुंची हैं, जब वे नंद भवन के द्वार पर, तो वहां पर तो द्वारपाल है, हर किसी को प्रवेश करने थोड़ी देगा भगवान की यहां पर। तो उस द्वारपाल से प्रार्थना करती है गोदाम्बा जी, यहां 16वें छंद में 16वें पासुर में, कि हमें आप रोकिए मत, हमें भगवान का दर्शन करने का अवसर दीजिए। गोदाम्बा जी कहती हैं कि हमारे नायक हैं, हमारे रक्षक हैं नंद बाबा, और आप हैं नंद बाबा के इस महल के रक्षक, प्रासाद के रक्षक, और कितना सुंदर यह द्वार है, तोरण से सजाया हुआ, ध्वजाओं से सजाया हुआ यह सुंदर द्वार है, और इस द्वार के रक्षक आप हैं, पालक आप हैं, ये कितना सुंदर द्वार है, कितने सुंदर सुंदर रत्न इस पर लगे हुए हैं, इस द्वार को आप खोल दीजिए। देखो हम छोटी छोटी गोपियां हैं, और हम छोटी छोटी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं तुम्हें भेरी दूंगा, तुरही दूंगा। यहां भेरी प्रतीक है किसकी? ये जो पुरुषार्थ हैं, जीवन की सार्थकता की जो वस्तु है, उसका यहां संकेत है। तो भगवान ने हमें वचन दिया था कि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, भेरी इत्यादि दूंगा, तुम्हें पुरुषार्थ दूंगा। तो अब उन भगवान को निद्रा से जगाने के लिए हम यहां पर आई हैं, तो हमें आप अपने मुख से मना मत करना, रोकना मत, हमें जाने से रोकना मत, और आप कृपा करो और इस द्वार को खोल दीजिए। श्रीमद गोपजनेशितुर्गृह परित
त्रातस्तथोच्चध्वज प्रालम्बोज्ज्वल तोरण प्रगुणित द्वारस्थ दौवारिक। कृष्णः प्रागवदद्व्रतोपकरणं दास्यामि युष्मभ्यमीं त्याप्तः सेवितुमेव तं मणिमयं तस्मात् कवाटं नुद। यहां पर पिछली जो 10 गाथाएं हैं, पिछले जो 10 छंद हैं, पिछले जो 10 पासुर हैं, उन 10 पासुरों में गोदाम्बाजी ने अपनी सखियों को जगाया, सबको जगाया, और सबको जगा करके यहां पर उन सबको अपने साथ में लेकर के अब भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए पहुंच गई कहां पर? नंद बाबा के महल पर, नंद बाबा के महल के द्वार पर। यह तो बड़ा विशाल भवन है, राजभवन है। तो अब उसके द्वार पर तो द्वारपाल खड़े हैं। अब उन द्वारपालों की अनुमति के बिना तो अंदर कोई जा नहीं सकता। तो अब ये गोपियां उन द्वारपालों को प्रार्थना करती हैं कि हमें अंदर जाने की अनुमति दीजिए। सामान्य दृष्टि से देखें तो भाई जब सब इकट्ठा हो गई गोपियां तो सीधे भगवान के शयन ग्रह में पहुंच जाएं और सीधे भगवान को जगाकर उनसे वार्तालाप कर लें, बात कर लें, जो कहना है कह लें। लेकिन यहां पर भी पहले एक यह पासुर, ये जो पासुर है, ये जो छंद है, ये छंद है द्वारपालक से अनुमति लेने का एक छंद। फिर आगे एक छंद आएगा जिसमें नंद बाबा इत्यादि को जगाने का अवसर है, और फिर दो पासुर हैं जिसमें नीला देवी को जगाया जाता है। तो यह इतना लंबा प्रयास क्यों किया जा रहा है? सीधे भगवान को क्यों नहीं जगा लेती ये सब गोपियां? गोदाम्बा जी सीधे भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं जगाती? देखिए यह जो तिरुप्पावई है, श्रीव्रत जो है, यह तिरुप्पावई यह कोई सामान्य रचना नहीं है, यह बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसके बारे में कहा गया कि यह क्या है? यह वेद बीज है, वेदों का बीज है। मतलब सारे वेदों का जो सार है वो एक यहां एक संक्षिप्त एक इस रचना में समेट दिया गया है। सारे वेदों का सार, इतने व्यापक वेद, उन सारे वेदों का सार इस छोटी सी रचना में 30 छंदों में समेटा गया है। तो यह कोई सामान्य रचना नहीं है, इस रचना में बड़ी गहरी बातें छिपी हुई हैं। अब समझाने के लिए एक उदाहरण कहता हूं। ऐसा समझिए, आपसे कोई कह दे, कोई विशाल पेड़ दिखाए, मान लो आपको आम का पेड़ दिखाए, बड़ा सारा पेड़ आम का, और कहे कि बताओ इस आम के पेड़ में कितने फल लगे हुए हैं। तो आपको समय लगेगा, परिश्रम होगा, लेकिन आप गिन सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इतने आम लगे हैं, कितने हजार आम के फल लगे हैं। आप गिनती लगा के बता सकते हैं भले ही वह आम का पेड़ कितना भी बड़ा हो। और दूसरी तरफ देखो, कोई आपको कोई फल दे दे वे हाथ में और कहे कि इस फल में कितने बीज हैं ये बताओ। तो कई फल तो ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक बीज होता है, आम के अंदर केवल एक बीज होता है, लेकिन अधिकतर फल कैसे होते हैं जिनमें एक फल में ही बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे कोई अमरूद दे दे कि बताओ इसमें कितने बीज हैं, तो और ज्यादा कठिनाई हो जाएगी कि हाँ भाई इसके बीजों को कैसे देखें। कोई कह दे आपको पपीता दे दे और कह दे पपीते में कितने बीज हैं, ठीक है थोड़ा समय लगेगा पर आप गिनती कर लेंगे। कोई आपको तरबूज दे दे और कह दे बताओ इसमें कितने बीज हैं, आपको थोड़ी देर लगेगी, पूरा दिन लग जाए मान लो, और आप फिर भी कह तो सकते हैं, गिनती कर तो सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर उस फल में कितने बीज हैं। तो दोनों बात आप कर सकते हैं
किस पेड़ में कितने फल लगे हैं उसकी गिनती भी आप कर सकते हैं, और किसी फल में कितने बीज हैं यह भी आप गिनती कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं, पेड़ के फलों की गिनती कर सकते हैं और फल के बीजों की गिनती कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको हाथ में दे दे केवल एक बीज और कहे कि बताओ इस एक बीज में कितने वृक्ष छिपे हैं, इस एक बीज में कितने वृक्ष छिपे हैं उसकी गिनती करके बताओ, तो कैसे करोगे भाई? अब भाई उस बीज को कहीं बोया जाए, उस बीज से बड़ा वृक्ष बनेगा, वृक्ष में अनेक फल लगेंगे और उन फलों से वापस कई बीज निकलेंगे और वो बीज अलग अलग जगह जाकर के उनमें से फिर नए वृक्ष निकलेंगे, और फिर यह तो एक ऐसी स्थिति होगी, ऐसा क्रम चलेगा जिसका कहीं कोई किनारा नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। एक बीज से आखिर कितने वृक्ष बन सकते हैं आगे पीछे, उसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही ये जो तिरुप्पावई है, इस तिरुप्पावई में एक एक छंद में कितने कितने तरह के रहस्य छिपे हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती है। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी बोलने की शक्ति सीमित है, हमारी सुनने की शक्ति सीमित है और हमारा जीवन भी सीमित है, लेकिन इसमें कितने तरह के गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं उनकी गिनती करना संभव नहीं है। इसमें तो जगह जगह पर कई गूढ़ अर्थ छिपे हैं, जहां से हम कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ रहस्य को प्राप्त कर लेवें, उसका चिंतन कर लेवें, उसका पालन कर लेवें, तो हमारा जीवन सार्थक। परंतु ये कोई नहीं कह सकता कि केवल यही अर्थ है या केवल इतना ही अर्थ है, यह कोई नहीं कह सकता। यह भी अर्थ है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, ऐसा भी अर्थ है, ऐसे अनेक 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 अर्थ इसके हर पासुर में, हर छंद में प्राप्त हो सकते हैं। यह जो तिरुप्पावई है, यह गोदाम्बाजी की रचना है और इसमें उन्होंने कथा वस्तु के रूप में प्रयोग किया किसका? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रयोग किया कथा वस्तु के रूप में। लेकिन बाकी सारी बातें जो भी हैं, बाकी सारी रचना का जो ढंग है, यह गोदाम्बाजी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण केवल मनमाना नहीं है, शास्त्र के अनुसार है, वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, आचार्य सम्मत है, गुरु परंपरा सम्मत अर्थ है। लेकिन उनके द्वारा एक नवीन एक रचना है, एक नई रूपरेखा है, कथा वस्तु है, वह भगवान श्री कृष्ण की लीला यहां कथा वस्तु है, लेकिन बाकी सारी रचना उनके दृष्टिकोण से रची गई है, यहां सब के सब उनके द्वारा प्रकल्पित है। गोदाम्बाजी ने क्या माना? गोदाम्बाजी ने अपने निवास स्थान, अपने गांव विल्लीपुत्तूर को तो माना ब्रजमंडल, उसे माना गोकुल, उसे माना वृंदावन, और उस गांव में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनको माना गोपी, भगवान के भक्तों को, परम भक्तों को माना गोपी, और जो वटपत्रशाही भगवान उनका मंदिर उसे माना भगवान श्री कृष्ण का राजप्रसाद, नंद बाबा का महल, और अब अपने भाव के अनुसार गोपियों का अनुकरण कर रही हैं गोदाम्बाजी यहां पर। अब शास्त्र का आदेश भी है, आचार्यों का एक व्यवहार भी है कि भगवान के सानिध्य में अकेले नहीं जाना चाहिए, केवल अकेले जाकर के केवल भगवान की प्राप्ति कर ले अकेले अकेले, यह परंपरा नहीं है। बल्कि परंपरा क्या है कि जो भगवान के सेवक हैं, जो मंदिर के रक्षक हैं, द्वारपाल हैं
और जो भगवान के भक्त हैं उनकी अनुमति लेकर के फिर भगवान के सम्मुख जाना चाहिए, फिर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जरा आप देखिए वाल्मीकि रामायण में भी जैसे प्रसंग आता है, विभीषण पहुंचे, पहले भी एक बार उल्लेख कर चुके हैं, विभीषण पहुंचे हैं राम जी के पास। विभीषण लंका का त्याग करके आए हैं और आकाश मार्ग से आए हैं और आकाश में ही स्थित हैं, लेकिन भगवान राम के पास सीधे नहीं चले गए, सुग्रीव इत्यादि वानरों से अनुमति ले रहे हैं कि मुझे राम जी के पास ले चलो। अब राम जी यहां पर किसी महल में नहीं है, कहीं किसी भवन में नहीं है, भगवान भी तो वहां खुले में ही हैं, तो वह विभीषण भी तो आगे जाकर के सीधे राम जी के शरण में जा सकता था, लेकिन विभीषण ने वैसा नहीं किया। सुग्रीव से निवेदन किया, वानरों से निवेदन किया कि मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मैं कैसे दर्शन करूं, आप राम जी से अनुमति लीजिए और मुझको उनकी शरण में ले चलिए। और बाद में राम जी ने उन्हें स्वीकार भी किया, सुग्रीव के कहने पर, समाचार देने पर विभीषण को अपनी शरण में भगवान ने स्वीकार किया भी। और भी आप देखिए श्री पराशर भट्टारे स्वामी जी, उन्होंने भगवान की स्तुति की श्री रंगराजस्तव में, तो वहां पर लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं पराशर भट्ट स्वामी जी कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले, यानी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले, जो क्षेत्रपाल हैं, द्वारपाल हैं, उनको प्रणाम करने के अनेक श्लोकों की रचना की है उन्होंने रंगराजस्तव में। और इसी चीज को समझाने के लिए समझ लीजिए, यहां पर इसी चीज को समझाने के लिए ही यहां पर द्वारपाल को जगाया जा रहा है, मानो गोदाम बाजी के द्वारा द्वारपाल से विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है वहां पर द्वार खोलने के लिए। स्वयं द्वार नहीं खोला जा रहा, बल्कि द्वार खोलने के लिए प्रार्थना की जा रही है। वैसे भी पांचरात्र आगम जो है, अपने रामानुज संप्रदाय में भगवान की जो पूजा पद्धति है, वह पूजा पद्धति पांचरात्र आगम के अनुसार होती है। तो पांचरात्र आगम का जो आदेश है उसमें कहा गया है स्पष्ट कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्षेत्रपाल, मंदिरपाल, द्वारपाल और विश्वक्सेन जी, इन सबको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर के उसके बाद ही भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए। यहां पर नंद बाबा को कहा गया नायक, रक्षक। तो वास्तव में तो ये सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ही अपना नायक मानती हैं, उन्हीं को अपना रक्षक मानती हैं, लेकिन फिर भी नंद बाबा को क्यों कहा गया नायक और रक्षक? क्योंकि जब भगवान ने ही नंद बाबा को अपना रक्षक माना, तो फिर गोपियों ने भी उन भगवान के समान ही उन नंद बाबा को अपना रक्षक माना। भगवान की बात ऐसी है, भगवान की जो भी अवतार होते हैं तो भगवान अवतारों में भी यह बात दिखाते हैं कि भगवान अपने से बड़ों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं और बड़ा अपनत्व रखते हैं। जब राम जी लंका विजय के पश्चात वापस लौट रहे थे पुष्पक विमान में विराजमान होकर के और अयोध्या के समीप पहुंचे, तब अलग अलग चीजों को बताते हुए जा रहे थे रास्ते में, और वहां पर सीता जी से क्या कहा भगवान ने, राम जी ने कहा सीता जी से, प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 123वें सर्ग के 55वें श्लोक के रूप में, वहां पर वर्णन है, वहां भगवान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो सीते, यह देखो, ये राजधानी देखो, किसकी राजधानी, कि मेरे पिता की राजधानी।
एषा सादृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता। कि यह मेरे पिता की राजधानी, इसको प्रणाम करो जो हम वापस लौट के यहां आए हैं। अब देखिए यहां पर दशरथ जी के बारे में, दशरथ जी की तो मृत्यु हुए 14 वर्ष बीत चुके थे उस समय तक, 14 वर्ष बीत गए हैं और राम जी अभी भी क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता की राजधानी, अपने से बड़ों का कितना सम्मान उनके मन में, कितना अपनत्व। तो यहां पर जो अपनत्व है भगवान का, नंद बाबा को जो वो अपना रक्षक मान रखे हैं, उनको अपना नायक बना रखा है, तो गोपियों ने भी, गोदाम्बा जी ने भी नंद बाबा को यहां पर नायक कहा, रक्षक कहा। इधर द्वारपाल से जब निवेदन किया है गोपियों ने कि देखिए आप जरा द्वार खोलिए, जरा द्वार खोलिए, द्वार बंद क्यों कर रखा है आपने, तो अब क्या कहा द्वारपाल ने? द्वारपाल ने कहा अरे क्या बात है, इस ब्रजमंडल में तो हमेशा ही कोई ना कोई संकट रहता है, कोई ना कोई भय बना रहता है, हरदम कभी ये असुर आया, वो असुर आया, और इस भय वाले इस स्थान में, ब्रजमंडल में, यहां आधी रात को आके कह रही हो तुम कि द्वार खोल दो, ये क्या बात है तुम्हारी, अरे वापस लौट जाओ, अपने अपने घरों को चले जाओ, यहां आधी रात को कहां द्वार खोलने की बात कर रही हो। यहां गोपियों ने कहा द्वारपाल से कि देखिए भय किसका, सारे भयों को नष्ट करने वाले, सारे भय को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनका यहां निवास है, और जब भगवान यहां निवास करते हैं रक्षा करने वाले, तो फिर भय की बात ही क्या है, किसका भय, कैसा भय, भगवान रक्षा करने वाले हैं तो किसका भय है। विष्णु पुराण में प्रसंग आता है, वहां प्रह्लाद जी का वचन है, प्रह्लाद जी कहते हैं वहां पर विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 17वें सर्ग के 36वें श्लोक के रूप में, भयं भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्य नन्ते मम कुत्र तिष्ठति, यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात। प्रह्लाद जी कह रहे हैं कि मुझे किस बात का भय, मेरे हृदय में तो भगवान विराजमान है, और वो भगवान कैसे हैं कि वो सारे भय को मिटाने वाले हैं, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, उन सारे भयों को मिटाने वाले तो भगवान हैं, और वे मेरे हृदय में विराजमान है, तो मुझे किस बात का भय। वेदांत देशिक स्वामी जी भी कामासिकाष्टकम में वर्णन करते हैं, प्रार्थना करते हुए भगवान से, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम। भगवान से कहा है यहां पर कामासिकाष्टकम में श्री वेदांतेश स्वामी जी ने कि भगवान आप रक्षा करने वाले हो तो मुझे किस बात की परवाह है, आप रक्षा करने वाले हैं तब मुझे दूसरा कोई रक्षक नहीं चाहिए, और दूसरी बात यदि आप रक्षा करने को तैयार नहीं तो फिर दूसरा और कोई भी आ जाए वो मेरी रक्षा क्या कर सकता है, रक्षा करेंगे तो आप ही करेंगे, सीधी सी बात कि आप रक्षा करने वाले हो तो मुझे दूसरा रक्षक नहीं चाहिए, और आप रक्षा करने वाले ना हो तो दूसरे कितने भी रक्षक हों वो काम आने वाले नहीं है। प्रह्लाद जी ने स्तुति की है
श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के नवे अध्याय के 19वें श्लोक में वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहा है। विस्तार नहीं करेंगे वहां पर, केवल संकेत करते हुए चलेंगे। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नातस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इह्यान्यश्रेष्ठस्तावद् विभो तनुभृताम् तदुपेक्षितानाम्। स्पष्ट कहते हैं प्रहलाद जी कि लोग अलग अलग चीजों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। बालक सोचता है कि उसके माता पिता उसकी रक्षा करेंगे, कोई बीमार है सोचता है कि वैद्य मेरी रक्षा करेगा, कोई कहीं पर डूब रहा है नदी में तालाब में समुद्र में तो सोचता है कि नौका मेरी रक्षा करेगी। लेकिन भगवान यदि आप उपेक्षा कर दें उस प्राणी की तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, और आपकी कृपा दृष्टि हो गई तो उसकी रक्षा हो ही जाती है। रक्षा होती है आपकी इच्छा करने से, आपकी कृपा दृष्टि से। आप उपेक्षा कर दें तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इधर द्वारपाल ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, अरे तुमने क्या कोई यह रामावतार का समय मान लिया है कि जब कोई भय नहीं था? यह तो कृष्णावतार का समय है, इस समय तो जहां देखो वहां भय ही भय। वह जो समय था राम जी का तो वह तो त्रेता का समय था, और त्रेता का समय कैसा था? त्रेता युग, तो वह सतयुग से लगा हुआ था, तो सतयुग से लगा हुआ समय था इसलिए उसमें सब लोग सात्विक थे, सब लोग सज्जन थे, अधिकतर लोग सज्जन थे। और जो राम जी के जो पिता थे उनका नाम क्या? दशरथ। तो दशों दिशाओं में उनका रथ चलता था, चार दिशाएं और चारों दिशाओं के चार कोने यानी चार विदिशा, और एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार ये दो कुल 10 दिशाएं। तो द्वारपालों ने कहा कि दशरथ जी का रथ तो दसों दिशाओं में चलता था, उनका ऐसा सामर्थ्य था। और राम जी जहां विराजमान थे उनकी जो नगरी थी अयोध्या, अयोध्या का मतलब क्या? न योध्या अयोध्या, जिसे युद्ध से जीता न जा सके, ऐसी अयोध्या। तो ऐसी उनकी अयोध्या नगरी थी। और ऋषि महर्षि कैसे? वशिष्ठ जैसे ऋषि महर्षि वहां विराजमान थे अयोध्या में, राम जी के कुल पुरोहित, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी। तो सब तरह से अनुकूलता थी। और प्रजा के लोग भी कैसे थे? प्रजा के लोग भी सब के सब राम जी की ही चर्चा करते थे कि राम जी हमारे ऐसे, राम जी हमारे ऐसे। वहां वर्णन है स्पष्ट वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग के 102वें श्लोक में वर्णन है स्पष्ट। रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवत् कथाः, राम भूतम जगदभूत रामे राज्य प्रशासति। इतनी सारी अनुकूलताएं थीं रामावतार में, इसलिए उस समय भय की बात नहीं थी। लेकिन यह तो कृष्णावतार का समय है, इस समय तो जहां देखो वहां ही भय। अब तो बस कलयुग आने वाला है, कलयुग का समय बिल्कुल निकट है। तो कलयुग का समय निकट है तो कलयुग के कारण, कलयुग निकट होने के कारण यह तो द्वापर तो समाप्त होने वाला है और कलयुग आने वाला है। तो लोग भी, अधिकतर लोग भी अब कलयुग का प्रभाव का आरंभ भी मानो हो गया है। और देखो समय भी बड़ा विकट हो गया कलयुग निकट होने से। और दूसरी बात देखो, यहां नंद बाबा तो ऐसे सरल हैं, ऐसे सीधे हैं कि वो तो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते,
तो वे तो बड़े दयालु हैं। और फिर स्थान देखो, अपना स्थान ये जो ब्रजमंडल है, ये जो चाहे गोकुल कहो चाहे वृंदावन कहो, कितने निकट हैं, मथुरा के निकट हैं। कंस की राजधानी मथुरा उसके बिल्कुल निकट हैं। अब बिल्कुल निकट होने से कंस चाहे जब चाहे जिस असुर को भेज देता है, तो फिर देख लो स्थान भी कितना प्रतिकूल है, कंस के पड़ोस में रहना पड़ता है। और देखो गोप ग्वाल भी कैसे हैं, गोप ग्वाल हैं, सीधे सरल हैं, कोई युद्ध में पारंगत वैसे लोग तो हैं नहीं। वहां राम जी के पास तो वहां अयोध्या में तो चतुरंगिणी सेना थी, यहां कौन घुड़सवारी जाने, यहां किसी के पास घोड़ा नहीं, किसी के पास रथ नहीं, ये स्थिति है यहां की। और ये देखो जो हमारे कन्हैया हैं, ये भी हमेशा कोई ना कोई विचित्र लीला करते ही रहते हैं। और फिर देखो यहां तो सर्वत्र वन है, वन भी कैसा कि यहां तो उगने वाला घास पात भी भयकारक है। पता नहीं ये घास का ही कोई पौधा है या इसमें भी कोई असुर बैठा है, कोई नहीं जानता। कैसी कैसी बातें हो चुकी यहां पर, कब कैसे कैसे असुर यहां पर आ गए, छकड़े के रूप में आ गया असुर, आंधी तूफान के रूप में आ गया असुर तृणावर्त, छकड़े के रूप में शक्टासुर आ गया था। तो कैसे अनुकूलता मानी जाए, इस समय तो भय ही भय। गोपियों ने फिर कहा कि बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन हम सब तो महिलाएं हैं, हम तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, और हमसे डरने की क्या जरूरत है, कोई असुर आए तो डरने की बात, हम तो महिलाएं हैं, गोपियां हैं, हमसे डरने की आवश्यकता क्या है। द्वारपाल ने फिर कह दिया, देखो शूर्पण का भी तो आखिर स्त्री थी, लेकिन उसने कितनी बड़ी विपत्ति पैदा की थी, वह तो बालकृष्ण को विष पिला के मारना चाहती थी। अब जरा सोचो वहां पंचवटी में यदि कोई द्वारपाल होता तो शूर्पणखा को वहां अंदर ही नहीं आने देता, और शूर्पणखा को अंदर आने नहीं देता तो आगे की समस्या शुरू ही नहीं होती। गोपियों ने पुनः कहा द्वारपाल से कि भाई ये तो सोचो जरा आप कि शूर्पणखा तो राक्षसी थी, हम तो गोपियां हैं, आखिर एक समान कैसे हम। द्वारपाल ने फिर कह दिया, भाई ये कौन जानता है कि कौन राक्षसी है और कौन गोपी है, कोई पहचानेगा कैसे। पूतना भी तो थी राक्षसी, पर बन करके क्या आई थी, गोपी ही बन के आई थी, बड़ा सुंदर रूप बनाया था, बड़े सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर आभूषण पहने थे उसने, तो उसे कौन पहचान पाया था। तो कौन जान सकता है कि तुम्हारे रूप में कौन है, तुम कौन हो, और समय भी देखो कैसा है तुम्हारा, आधी रात को तुम आई हो, और जो कोई ऐसे विचित्र समय में आए तो फिर तो हरेक के ऊपर संदेह करना पड़ता है। गोपियों ने फिर कहा कि देखो पूतना तो वृद्धा थी, बड़ी उम्र वाली थी, और हम सब तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम सब तो बालिकाएं हैं, तो हमारे मन में तो कोई कपट है ही नहीं, इतना तो आप भी देख के समझ सकते हैं। द्वारपाल ने फिर बोल दिया कि यह किसने कहा, इसका क्या प्रमाण कि छोटी आयु वाला जो है वह कपट नहीं करेगा। तुम्हें पता नहीं क्या, जो वत्सासुर था, वत्सासुर एक छोटी उम्र के बछड़े के रूप में आया था, उसने सोचा था कि छोटे बछड़े के रूप में रहूंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वह छोटे बछड़े के रूप में था तो असुर ही, और बालकृष्ण को मारना चाहता था वह, तो उसके मन में तो कपट था, तो किसके मन का कपट कौन जाने, भले ही वह आयु में छोटा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। गोपियों ने पुनः निवेदन किया कि भाई ये तो देखिए आप कि कोई कपट से आएगा तो अकेला आएगा, छिप करके आएगा, ऐसे खुला खुला थोड़ी आएगा चल करके, और देखो हम तो समूह में आई हैं,
इतनी सारी मिलकर के आई हैं, अब इतना सारा समूह बना करके आई हैं और आपको साफ साफ कह के द्वार खोलने के लिए निवेदन कर रही हैं। यदि कोई कपट करने वाला होता तो वह तो छिपके आता, अकेला आता, समूह बना के थोड़ी आता। द्वारपाल ने कहा इसमें क्या प्रमाण है कि समूह बनाने से कोई अच्छा हो जाता है, कपट रहित तो हो जाता है, सरल हो जाता है, इसका क्या प्रमाण? वहां पर पंचवटी में भी जब राम जी पर आक्रमण करने गए थे वे खरदूषण के साथी राक्षस, तो वे भी तो हजारों राक्षस थे, हजारों समूह बना करके आक्रमण करने गए थे। तो केवल समूह बना लेना इससे क्या साबित होता है? इससे कोई यह थोड़ी पता लगता है कि तुम्हारे मन में कपट नहीं है और तुम सब सरल हो। द्वारपाल ने फिर कहा कि चलो ठीक है, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, पर चलो तुम यह तो बता दो, चलो तुम्हारी बात मान भी लूं, द्वार खोल भी दूं, मान लो, तो तुम यह तो बताओ तुम चाहती क्यों हो, क्या हो, तुम आई किस लिए हो यहां पर, तुम्हारी इच्छा क्या है? गोपियों ने कहा देखिए हम तो भगवान से पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आई हैं, इसलिए पहले आपका दर्शन कर रही हैं, पहले आपसे प्रार्थना कर रही हैं। भगवान ने हमको वचन दिया था कि कल तुम सब लोग हमारे पास आना, तुम सबको मैं पुरुषार्थ प्रदान करूंगा। यहां पर वैसे मूल रचना में भेरी शब्द का प्रयोग है, लेकिन उसका संकेत यही है, भेरी यानी तुरही, तो मूल संकेत यही है उस बात का, पुरुषार्थ, कि भगवान ने पुरुषार्थ प्रदान करने का वचन दिया है। पुरुषार्थ वैसे शास्त्रों में चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन यहां तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ इनके मन का क्या है, स्वयं भगवान की प्राप्ति, भगवान की श्री चरणों की प्राप्ति, यही लक्ष्य है इनके मन का। द्वारपाल ने फिर कहा ठीक है, यदि बालकृष्ण ने ऐसा वचन दिया है पुरुषार्थ देने के बारे में, तो ठीक है, वो तो दिन में भी लिया जा सकता है, कभी भी लिया जा सकता है, तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ और तुम तो अभी आ गई, अंधेरे में आ गई, इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? और भगवान तो अभी शयन कर रहे हैं, इस समय तो बिना परीक्षा के मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गोपियों ने फिर कह दिया कि इसमें क्या कठिनाई की बात है, आपको परीक्षा लेनी है परीक्षा लीजिए, और देखिए हमारे तो साध्य भी भगवान हैं और साधन भी भगवान हैं, हम किसी दूसरे उपाय में विश्वास नहीं करती, दूसरे किसी साधन में विश्वास नहीं करती, हम तो भगवान में ही विश्वास करती हैं कि भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्ति होगी, और प्राप्ति किसकी करनी है, हमको भगवान की ही प्राप्ति करनी है, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करनी है, तो न तो हम दूसरा फल चाहती हैं, न तो किसी दूसरे फल में हमारी निष्ठा है और न दूसरे उपाय में हमारी निष्ठा है, हमारे तो फल भी भगवान ही हैं और हमारे तो उपाय भी भगवान ही हैं, ये देख लो परीक्षा है, परीक्षा करके देख लो, हमारी तो बात ऐसी है, हम भगवान से प्राप्त करने आई हैं और किसको प्राप्त करने आई हैं, भगवान को ही प्राप्त करने आई हैं। द्वारपाल ने फिर कहा आखिर तुम सब प्राप्त क्या करना चाहती हो, तुम करना क्या चाहती हो, अंदर जाके तुम्हारा काम क्या है? गोपियों ने कहा कि बस हम तो पुरुषार्थ प्राप्त करना है, और कि भाई क्या है पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ का मतलब क्या तुम्हारा? गोपियों ने कहा कि देखिए हमारा तो पुरुषार्थ यही है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दूसरे प्रयोजन के, बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की स्तुति करना चाहती हैं, सुप्रभात का गान करना चाहती हैं, भगवान के सम्मुख जाकर के, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की स्तुति करना चाहती हैं। द्वारपाल ने फिर कहा कि क्या कहती हो तुम कि तुम सुप्रभात कीर्तन करने के लिए जाना चाहती हो अंदर? अरे पहला अपराध तो यही है कि भगवान
शयन कर रहे हैं उस समय किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, दूसरा अपराध कि भगवान सोए हैं तो उनको जगा दोगी तुम, तो यह तो दूसरा अपराध है। तुम यदि यह भी कहती कि मैं हम भगवान का दर्शन करके लौट जाएंगी तो शायद मैं हां कह देता, लेकिन तुम तो जगाना चाहती हो भगवान को। नहीं नहीं, यह उचित नहीं है बिल्कुल भी, तुम लौट जाओ वापस। गोपियों ने फिर कहा कि भगवान को जगाना अपराध कैसे हो गया, भगवान के भक्तों ने भी भगवान को जगाया है, भगवान के भक्त सुप्रभात स्तुति करते ही हैं। और आप देखिए वाल्मीकि रामायण का प्रसंग भी है, वाल्मीकि रामायण में जब राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर के गए हैं महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, तब मार्ग में क्या हुआ था, मार्ग में शयन किया था तीनों ने, तो इधर महर्षि विश्वामित्र तो पहले उठ गए और महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को लक्ष्मण जी को सोते हुए देखा तो दोनों को जगाया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। बालकांड के, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें सर्ग का दूसरा श्लोक। भगवान को जगाया था वहां महर्षि विश्वामित्र ने भी, तो हम भी जगाने आई हैं, हम भी भगवान को जगाएं, सुप्रभात स्तुति गाएं तो कितनी अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी दशम स्कंद में वहां पर एक प्रसंग है वेदस्तुति। भगवान जब शयन करते हैं कब, प्रलय के बाद, जब योग निद्रा में भगवान जब शयन करते हैं तब सारे वेदों के मंत्र मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को जगाते हैं कि भगवान जगिए, भगवान पुनः सृष्टि की रचना कीजिए, पुनः जीवों को अवसर दीजिए। तो गोपियों ने कहा कि उन सब ने भी तो यही किया, हम भी वही कर रही हैं, जो क्रम है, जो परंपरा है, वही कार्य हम कर रही हैं। द्वारपाल ने कहा ठीक है, ये बात है, तो चलो कपाट खोल लो, द्वार खोल लो। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं खोलेंगे, आप तो अपने हाथ से यह द्वार खोलिए, आप कृपा करके स्वयं द्वार खोल दीजिए तो ही अच्छा होगा, तो हम कृतार्थ होंगी। हम अपने हाथ से खोलेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे हमने आपकी अनुमति के बिना कार्य किया है, आप अपने हाथ से द्वार खोलेंगे तो हमें लगेगा कि आपने अपनी इच्छा से, आपने कृपा करके द्वार खोला है, तो द्वार आप ही खोलिए। गोपियों ने निवेदन कर दिया कि हम तो इस द्वार को खोल भी नहीं पाएंगी, कैसे खोलना है हमको तो पता भी नहीं है, ये द्वार तो बड़ा अद्भुत है, मणिमय द्वार है, कितने अद्भुत रत्न लगे हुए हैं इसके अंदर, तो हमको तो यही समझ में नहीं आता ये खोला कैसे जाए ये द्वार। मतलब क्या है यहां पर, गोपियों ने मानो ये दिखाया है कि जो मना करे उसी के द्वारा स्वीकार किया जाए तो ज्यादा अच्छा। जैसे विभीषण आया था राम जी के सामने, बल्कि सामने तो पहुंच कहां पाया, विभीषण आया था भगवान राम की शरण लेने के लिए, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, तो वहां पर सुग्रीव ने पहले तो राम जी से मना कर दिया था कि क्या भरोसा इसका, यह तो रावण का तो भाई है, आवा मिलन दशानन भाई, रामचरितमानस में तो वैसा वर्णन है, आवा मिलन दशानन भाई, तो यह तो शत्रु का भाई है, इसका क्या भरोसा। लेकिन इधर भगवान ने क्या कहा, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है, भगवान ने स्पष्ट कहा कि आप तो ले आओ, आप ही जाके ले आओ, और चाहे रावण स्वयं भी आ जाए तो भी उसको भी ले आओ, भले ही जो शरण में आ गया उसको तो आप ले आओ। अब जो मना करने आया है सुग्रीव कि यह तो ठीक नहीं, तो राम जी तो हनुमान जी को भेज सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया,
राम जी ने क्या किया, सुग्रीव को भेजा कि आप ही लेकर के आओ, क्योंकि यदि किसी दूसरे के द्वारा बुलवा लाते तो सुग्रीव के मन में गांठ रह जाती, या सुग्रीव ने मना किया तो बाद में सुग्रीव के द्वारा ही राम जी ने उस विभीषण को बुलवाया। यहां तो युद्ध कांड के 18वें सर्ग का 34वां श्लोक है, जहां राम जी कह रहे हैं कि आप तो ले आओ, चाहे विभीषण हो चाहे रावण हो, और यहां बाद में केवल 4 श्लोक बाद में स्वयं सुग्रीव कहता है, सुग्रीव कह रहा है बाद में, तो मात्र 4 श्लोक हैं और सुग्रीव कह रहा है बाद में राम जी से कि आप तो इस विभीषण को भी हम सब मंत्रियों के समान कर दीजिए, हमारे समान इसको भी मंडली में बराबर अधिकार दे दीजिए, हमारे समान इसका भी अधिकार हो जाए, ऐसा कार्य आप कर दीजिए। तस्मा क्षिप्रम सहास्माभि तुल्यो भवतु राघव विभीषणो महाप्राज्ञ सखित्वं चाभ्युपायितु नहम। तो ये जो राम जी ने लीला की थी, सुग्रीव जो मना कर रहा था उसी सुग्रीव के द्वारा विभीषण को बुलवाया, तो आगे उन दोनों के बीच मित्रता हुई, उनके वैर भाव की संभावना को नष्ट कर दिया राम जी ने। यहां पर जो द्वारपाल मना कर रहा था उसी द्वारपाल से निवेदन कर रही हैं गोदाम्बा जी कि आप ही द्वार खोलिए, हम अपने हाथ से द्वार नहीं खोलेंगी। यहां पर कई तरह के गूढ़ अर्थ हैं। एक अर्थ आप यह भी समझिए कि कई आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का ऐसा भाव है कि जो पिछली 10 जो गाथाएं हैं, पिछले जो 10 पासुर हैं, जो पिछले जो 10 छंद हैं, जिनके द्वारा जगाया गया था गोदाम्बा जी के द्वारा अलग अलग सखियों को, अलग अलग गोपियों को, मानो गोपियों को नहीं जगाया है मानो गोदाम्बा जी ने, मानो जगाया है 10 आलवारों को। आलवारों की संख्या अलग अलग ढंग से गिनी जाती है, एक में कहा जाता है 12 आलवार, एक में कहा जाता है 10 आलवार। तो जो गुरु परंपरा का जो श्लोक है, गुरु परंपरा में श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने जो वर्णन किया है, जो आलवारों का नामों की जो गणना की है, उसमें उन्होंने गायन किया है, भूतम सरश्च महदाव वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगिवान भक्तांग्री रेणु पर काल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। अब इसमें 10 आलवारों का तो चिंतन किया ही गया है, 10 आलवारों की गणना तो की ही गई है, तो यहां पर तो मानो ये जो 10 जो आलवार हैं उनके जो पिता के समान है, जो उनके पिता का भी उल्लेख आया है, और पिता के समान जो हैं उनका उल्लेख यहां पर है, तो मानो गोदाम्बा जी पिछले 10 छंदों के द्वारा, 10 पासुरों के द्वारा अपने पिता के समान 10 आलवारों को जगा रही हैं, उन अलग अलग पासुरों में, अलग अलग छंदों में उन आलवारों के संबंधित कोई ना कोई अंश उसमें जुड़ा हुआ है, उनके जीवन की कोई घटना जुड़ी हुई है, या उनकी कोई ना कोई विशेष बात उससे जुड़ी हुई है। और यहां पर जो पराशर भट्ट स्वामी जी ने जो गिनती की है भूतम सरश्च इस श्लोक में, उसमें रामानु स्वामी जी को भी गिन लिया 11वें के रूप में। तो यहां पर उन 10 आलवारों को जगाने के बाद, 10 दिव्य सूर्यों को जगाने के बाद जो यह अगला जो छंद आया है, तो इसके बारे में पूर्वाचार्यों की उत्प्रेक्षा है, भावना है, और ऐसे ही इससे संबंधित अंतर प्रमाण हैं कि ऐसा लगता है कि मानो
रामानु स्वामी जी को जगाया जा रहा हो या रामानु स्वामी जी को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा हो, यहाँ ये जो द्वारपाल है मानो स्वयं रामानु स्वामी जी हैं और इन द्वारपाल से प्रार्थना कर रही हैं जो गोदाम्बाजी, मानो स्वयं रामानु स्वामी जी से ही प्रार्थना कर रही हैं, मानो गोदाम्बाजी। बड़ा गहरा मतलब है, बड़े गूढ़ अर्थ हैं। भले ही समय के अंतराल होंगे, काल का अंतराल होगा, कब गोदाम्बाजी हुई, कब आलवार हुए और कब रामानु स्वामी जी हुए, लेकिन भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके लिए समय का अंतर कोई अंतर नहीं होता, उनके लिए स्थान का अंतर कोई अंतर नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, वैज्ञानिकों की बात चलती है कि टाइम मशीन, तो टाइम मशीन तो केवल एक काम करती है, अब तक तो बनी नहीं है लेकिन बने, जैसी भी बनने की बात करते हैं तो उसमें केवल समय का परिवर्तन, वो अलग अलग समय में जाने की बात करते हैं लेकिन स्थान बदलने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं अब तक। लेकिन भगवान के भक्त तो हर काल में पहुंच सकते हैं और हर स्थान में पहुंच सकते हैं। यहां पर जो कल्पना की गई है, यहां जो उत्प्रेक्षा की गई है, यहां जो चिंतन किया गया है, तो नायक कहा गया, रक्षक कहा गया, तो नायक कहना उचित है रामानु स्वामी जी के लिए पूरी तरह से। आप देखिए, जब हम अपनी गुरु परंपरा के बारे में गान आरंभ करते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभाम, नाथ यामुन मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम, वंदे गुरु परंपराम, तो ये जो हमारी गुरु परंपरा जो है इसको समझो एक माला। ये जो माला है गुरु परंपरा की, इस गुरु परंपरा की माला में मणि का स्थान, इसमें जो मणि का स्थान है, मुख्य स्थान है, ये किसका है? रामानु स्वामी जी का है। इसीलिए तो देखिए हमारे इस श्री संप्रदाय का नाम रामानु संप्रदाय भी हो गया। वास्तविक नाम तो है श्री संप्रदाय, अभी उसका विस्तार करने का अवसर नहीं है, समय नहीं है, लेकिन रामानु स्वामी जी ने तो इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की है। रामानु स्वामी जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं हैं, उन्होंने केवल इसका, केवल भी कहें और महान भी कहें, सारी बातें हैं। रामानु स्वामी जी ने यह महान कार्य किया कि इस संप्रदाय की पुनर्प्रतिष्ठा की। जैसे कोई मंदिर थोड़ा पुराना हो गया, टूट फूट गया, जीर्णोद्धार करते हैं, इस तरह से इसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करके पुनर्प्रतिष्ठापित किया इस संप्रदाय को, तो इसलिए संप्रदाय को रामानु संप्रदाय भी कहा जाने लगा। जैसे कोई हार होता है, रत्नों का हार, मणियों का हार, तो देखिए कोई हार हो, कितना भी सुंदर हार हो, कितनी सुंदर मणियां हो उसमें, लेकिन एक होती है मुख्य मणि, उसमें एक होता है मुख्य रत्न। तो ये मुख्य रत्न कौन है? वैसे तो अनेक आचार्य हैं, लेकिन उन अनेकों आचार्यों में रामानु स्वामी जी क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान आचार्य हैं। तो ये सबसे मुख्य मणि हैं, सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाली, सबसे ज्यादा चमकने वाली मणि कौन है? ये हैं हमारे रामानु स्वामी जी, यतिराज स्वामी जी। यतिराज सप्तति, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा है रामानु स्वामी जी की स्तुति में, उनकी महिमा बताते हुए। और उस यतिराज सप्तति के 15वें श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अमुना तपनातिशायी भूमना यतिराजेन निबद्ध नायक श्री ही महति गुरु पंक्ति हार यष्टि विबुधानाम हृदयंगमा विभाति। यहां पर भी नायक शब्द का प्रयोग किया है श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने। यहां पर वर्णन किया है वेदांत देशिक स्वामी जी ने कि जो श्री भाष्यकार स्वामी जी हैं, रामानु स्वामी जी हैं, उन वो कैसे हैं? वो हैं सूर्य के समान। जैसे ग्रह तो नौ हैं, नौ ग्रहों की स्थिति क्या है?
कि 9 ग्रह हैं, लेकिन बाकी ग्रहों की चमक तो बिल्कुल कम होती है, लेकिन सूर्य की चमक उन सारे ग्रहों से ज्यादा होती है। तो वैसे ही श्री भाष्यकार स्वामी जी बाकी सारे आचार्यों से ज्यादा शोभायमान हैं, इसलिए सूर्य के समान हैं। दूसरे आचार्यों का भी महत्व है, लेकिन रामानुज स्वामी जी का महत्व उन सबसे ज्यादा है, इसलिए उनको उसमें मणि कहना, श्रेष्ठ कहना, नायक कहना उचित है। और भी देखिए, यहां पर बड़ा सुंदर चिंतन किया गया कि सूर्य से तुलना हो रही है, सूर्य के समान कहा है, लेकिन सूर्य से भी बढ़कर के महिमा है रामानुज स्वामी जी की। कि कैसे? कि सूर्य भी अंधकार दूर करता है और रामानुज स्वामी जी भी अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। सूर्य जो अंधकार को दूर करता है, वह कहाँ का अंधकार है? वह बाहर का अंधकार है। जो सूर्य भगवान हैं वो बाहर के अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन रामानुज स्वामी जी हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। तो इसलिए रामानुज स्वामी जी का महत्व सूर्य से भी बढ़ करके है। और भी सूर्य से ज्यादा महिमा है यहां पर रामानुज स्वामी जी की। कि कैसे ज्यादा है? कि देखिए, रामानुज स्वामी जी यदि यहां पर सूर्य हैं, तो देखिए सूर्य में तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रभाव होता है। गर्मी में सूर्य में बड़ी उग्रता आ जाती है, तो रामानुज स्वामी जी में भी उग्रता होगी। फिर तो कहा कि नहीं नहीं, रामानुज स्वामी जी की बात बड़ी अद्भुत है, वो सूर्य के समान अंधकार को नष्ट तो करते हैं, लेकिन उनमें उग्रता नहीं है, बल्कि वो चंद्रमा के समान शीतल हैं। जैसे चंद्रमा कभी उग्र स्वभाव वाला नहीं होता, चंद्रमा का प्रकाश कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश कभी उष्णता नहीं देता, तीव्रता नहीं देता। सर्दी में सूर्य अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी में तकलीफाएं लगते हैं, लेकिन ये बात चंद्रमा पर कभी लागू नहीं होती कि वह किसी समय में प्रतिकूल लगता हो। तो ऐसे ही रामानुज स्वामी जी हैं, वो हमेशा कृपा करने वाले हैं, इसलिए वो हमेशा आह्लादकारी हैं, हमेशा अनुकूल हैं, सूर्य वाली उग्रता उनमें नहीं है। यहां पर वर्णन कर रहे हैं जो वेदांत स्वामी जी महाराज रामानुज स्वामी जी के लिए, तो क्या कह रहे हैं कि ये रामानुज स्वामी जी ऐसे हैं, ये नहीं कहा कि वे, ये कहा वे तो मतलब किसी अन्य स्थान में, किसी अन्य समय में कोई व्यक्ति हो उसके लिए कहा जाता है वह या वे, लेकिन जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, उनके लिए कहते हैं ये, यह। तो वेदांत देशी स्वामी जी महाराज हमेशा रामानुज स्वामी जी के चिंतन में ऐसे मग्न रहते थे, उन्हें हमेशा उनका अनुभव होता था, इसलिए वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ये रामानुज स्वामी जी ऐसे हैं, ये भाष्यकार श्री भाष्यकार स्वामी जी ऐसे हैं। यहां पर वर्णन किया था कि महति गुरु पंक्ति हार यष्टिर विबुधा नाम हृदयंगमा विभाति। जैसे कोई रत्न का पारखी हो, कोई वास्तविक जौहरी हो, तो वह श्रेष्ठ रत्न को धारण करके, प्राप्त करके प्रसन्न होता है, पर रत्न का कोई मोल न जाने, रत्न के महत्व को न जाने, जो पत्थर में और रत्न में अंतर न जाने, तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या है? एक कवि ने वर्णन किया, किसी रत्न को देख करके संबोधित किया, रत्न को क्या देखा? कवि ने देखा एक वानर को, कि उस वानर ने एक बड़े दिव्य रत्न को अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के क्या क्या किया? पहले तो सूंघा, फिर बार बार उसे जीभ से चाट के देखा, और जब
चाटने से कुछ पता नहीं लगा, तो अब उसको मुंह में लेकर के उसको दांतों से चबाने की कोशिश की और चबा नहीं पाया, तो उदास हो गया कि अरे यह तो किसी काम का नहीं। और फिर उस वानर ने उस रत्न को फेंक दिया कि यह तो फालतू है, यह किसी काम का नहीं, न तो ये कोई स्वाद है, न यह खाया जाता है, न चबाया जाता है। तो कवि ने कहा उस रत्न से कि अच्छा है कि इस वानर ने केवल तुमको सूंघा, केवल तुमको चाट के देखा, केवल चबाने की कोशिश की। अरे भाई तुम ये भला समझो कि इस वानर ने तुम्हारे अंदर की चीज को देखने के लिए तुमको पत्थर से फोड़ करके नहीं देखना चाहा। चलो तुम सलामत रह गए, सही रह गए, साबुत रह गए, यही भली बात मानो। तो ऐसे ही क्या स्थिति है, यह संकेत है कि जो रामानुज स्वामी जी की महिमा को जो नहीं जानते, अब वो उसमें दोष देखते हैं तो उनकी दोष दृष्टि है। जो आचार्य तत्व को नहीं जानते, जो आचार्य हमें संसार की वस्तुएं देने के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं हमें भगवान की प्राप्ति कराने के लिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले, भगवान की प्राप्ति कराने वाले रामानुज स्वामी जी के महत्व को न जान करके जो लोग इधर उधर भटकते हैं, उनके बारे में ही मानो यहाँ पर कवि ने समझाया हो। और उसी बात को यहाँ वेदांत देशिक स्वामी जी ने स्पष्ट समझाया है कि देखो ऐसे आचार्य उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, सारी गुरु परंपरा में ये रामानुज स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये जो महिमा है, आप सोचिए किसी हार की, किसी एक विशेष मणि की यदि महिमा गाई जाए तो पूरे हार की स्तुति हो जाती है। तो वैसे ही रामानुज स्वामी जी की स्तुति करने से सारे आचार्यों की स्तुति अपने आप हो जाती है, यह आप समझ लीजिए। श्री रामानुज स्वामी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे हमारे गुण दोषों पर दृष्टि न डाल करके हम पर कृपा करें और हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाएं। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे सब हम पर ऐसी कृपा दृष्टि करें कि हमारा हृदय भगवान की भक्ति से भर जाए और हमारे हृदय में भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य रहे। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन।